तो गाइस मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट ट्रैक। मैं आ चुका हूँ आपके लिए लेके बेडरॉक एडिशन के लिए हाईपिक्सल जैसा सर्वर। आपको इसकी आईपी और पोर्ट कमेंट वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पहले से थोड़ी सी तैयारी कर रखी है, इसलिए यहाँ पे खूब सारे मिनियंस लगा रखे मैंने। ये बेडरॉक एडिशन के लिए है और पॉकेट एडिशन में भी यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो मैं पॉकेट एडिशन में ही खेल रहा हूँ। और ये इस सर्वर में आपको कस्टम टूल्स भी मिल जाएंगे। आप देख सकते हो एक मैंने अपनी हाथ में भी पकड़ रखा है, देख सकते हो एक ये है, जैसे ये एपिक लेवर है, जोम्बी पिकेक्स, जंगल एक्स, लेजेंडरी रेज स्वॉर्ड, इनको मारना पड़ेगा। इनको चर्बी ज़्यादा चढ़ी रहती है हर टाइम, हड्डी के ढांचे। आप देख सकते हो यहाँ पे मिनियंस मैंने खूब सारे लगा रखे हैं। ताकि मैं थोड़ा सा अपना कलेक्शन को आगे बढ़ा सकूं, इसलिए मैंने लगा रखे हैं। रेस्टोन वाले मिनियन ने अच्छा खासा रेस्टोन दे दिया है आज। तो इस सर्वर में आपको थोड़ा सा इंटरनेट इशू भी मिल सकता है, लैग इशू वगैरह, क्योंकि ये सर्वर अभी नया ही है, इसलिए आपको थोड़ा सा नेट थोड़ा सा लैग मिल जाएगा। थोड़ा सा लैग ही है पर बिल्कुल हाई पिक्सल जैसे ही है ये सर्वर। मैंने वापस से इंगट ही बना दिया उसके। मैं अभी थोड़ा सा सामान इकट्ठा करने में लगा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे अपने कलेक्शन को अपग्रेड करना है। आप देख सकते हो ये जो आप क्लेवर देख रहे हो, इस ये आपको गोल्ड कलेक्शन 2 पे मिल जाएगा। और ये जो जंगल एक्स है आपको जंगल कलेक्शन 7 पे मिलेगी। और इसकी खासियत ये है कि आप एक बार में पूरा ट्री भी चॉप कर सकते हो। ये हमारा पहला मिनियन है जिसको मैंने अभी तक लगा रखा है, जो मुझे कोबल स्टोन के अंदर थोड़ा सा कलेक्शन अपग्रेड करना है, ताकि हम सुपर कॉम्पैक्टर 3000 अनलॉक कर सकें। मैंने उसकी में अभी कॉम्पैक्टर नहीं लगा रखा है, इसलिए ऐसा है। और ये छोरा बड़ा तेज है, फार्मिंग मिनियंस बहुत तेज है इसमें। ये देख सकते हो आप, भर भी गई है इसकी अटैची। अभी देख सकते हो जैसे कि मेरी इन्वेंटरी भी ले गया है, गायब हो गई है। ऐसे तो सर लैग देखने को मिलता है बीच बीच में। बट मैं इसको थोड़ा सा फिक्स करके आता हूँ। मेरे ख्याल से लॉबी में जाने पे हो जाएगा थोड़ा सा फिक्स ये। ओहो पंपकिन फील्ड आ गए, मैं एक बार चेक करता हूँ। तो भाई मैंने ये थोड़ा सा जो दिक्कत आ रही थी उसको फिक्स कर दी है। ये देख सकते हैं हम मेन लॉबी में हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्युनिटी हॉल है, मैप है, ऑप्शन हाउस भी है जो कि अभी चालू नहीं है, पता नहीं क्यों, मेरे को पता नहीं है कब तक चालू भी होगा कि कितना टाइम लगेगा इसको। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे आओ और इन पे क्लिक करो तो देख सकते हैं ये लिख क्या है, ऑप्शन इज़ टेम्परेली डिसेबल। इसी के साइड में आप देख सकते हैं हमारे पास बैंक भी है, ये रहा बैंक। मैं पता नहीं क्यों बार बार ऐसे शॉर्टकट मारने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बैंकर भी है, ये हाईपिक्सल के बैंक बैंक से ज़्यादा अच्छा दिखता है। और आप देख सकते हो अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 30K इकट्ठे हो चुके हैं बैंक में, मैंने खूब सारी ग्राइंडिंग करी है, कुछ क्विज करे हैं, थोड़ा बहुत कलेक्शन अपग्रेड करा है। और यहाँ पे मेरे को अभी तक एन्चांटर नहीं मिला है जिससे हम टूल को एन्चांट कर सकें, पर यहाँ पे ये ब्लैकस्मिथ ज़रूर है लेकिन इसके पास एन्चांटिंग के आइटम नहीं है। देख सकते हो ये सिर्फ जो आपके पास अलग से है वही करता है एन्चांट। अगर आपको किसी जैसे आयरन पिकैक्स वगैरह का एन्चांट करना है तो वो नहीं कर सकता, आप कस्टम टूल को ही कर सकते हो लेकिन इस जंगल एक्स को तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। वो मेरे को पता नहीं क्योंकि इसकी एक स्पेशल एबिलिटी है शायद इसलिए। ये आप देख सकते हो ये अरीना है वॉर जोन, अगर आप यहाँ पे किसी से मैच करना चाहो तो कर सकते हो, पर मेरे को यहाँ पे अभी भी एन्चांटर नहीं मिला है जिससे मैं एन्चांट कर सकूँ अपने आइटम्स को। बुक्स की रेसिपी, एन्चांटिंग बुक्स की रेसिपी भी मिल गई जाएगी लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते अभी इन पे टूल्स पे, क्योंकि वो मेरे को अभी तक खुद को नहीं पता चला है कहाँ से होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो छोटे छोटे घर बने हुए हैं लेकिन यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। उस वो मार्केट एरिया है वहाँ पे मार्केट एरिया है, ये हमारे बैंकर बाबूजी का घर, ये थोड़े से स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे कुछ घर हैं। यहाँ पे आओगे तो आपको कई घरों में फेरी सोल भी मिल जाएंगी लेकिन यहाँ पे कईयों को पता नहीं है फेरी सोल्स को कहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, अभी वो जगह भी मैं आपको बता दूंगा अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में तो थोड़ा बहुत ही जानकारी मिलेगी। ये हमारा बैंकर वाले का घर, मेरे को अभी भी पता नहीं चला है यहाँ पे ये क्या काम करता है। दे आर नो आइटम इन योर स्टैश, ओह ये शायद वो स्टैश में मेरे को पता नहीं क्या है। अभी पम्पकिन इवेंट चल रहा है, आप इसको देख सकते हो, ये आपको अगर आपके पास कोई एन्चांटेड ऑब्सीडियन वो भी 8 स्टैग, अरे भाई मेरे पास एन्चांटेड ऑब्सीडियन क्या है, ऑब्सीडियन की रेसिपी भी अनलॉक नहीं अभी। ये आपको क्विज दे सकता है, आप देख सकते हैं ये कह रहा है मेरे को 9 घंटे बाद आने के लिए। ये आप देख सकते हैं शॉप से खूब सारी आपकी जो जो कलेक्शन अनलॉक हो जाएगी वही दिखेगी आपको पूरी, कलेक्शन अनलॉक करने के बाद ही आप यहाँ पे देख सकते हो इनको। यहाँ पे लगता है इन्होंने थोड़ा सा पानी भर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आगे की तरफ जंगल है जहाँ पे आप जंगल कलेक्शन को अनलॉक करोगे।
ये पोर्टल है, अगर आपकी फोचिंग लेवल 3 के ऊपर होगी तभी आप इस पोर्टल का इस्तेमाल कर पाओगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आने के बाद आपको बस ये ट्री वगैरह को चॉप करना है। ये देख सकते हो जंगल एक्स का कमाल। मेरे को ऑलमोस्ट हाफ स्टैक के पास मिल चुका है सिर्फ 2 बार में। जंगल एक्स की ये खासियत है कि ये बहुत सारे पेड़ को एक साथ, पेड़ के बहुत सारे हिस्से को एक साथ माइन कर सकती है, पर इसकी भी कुछ लिमिट है। ये क्रॉस में नहीं माइन करती है आपके लिए, जैसे कि ये है, अगर मैं इसको माइन करूँगा तो इसके ये देख सकते हो नीचे की तरफ का हो जाएगा, लेकिन क्रॉस में जैसे एक ही है वो उससे जुड़ा हुआ नहीं है किसी भी हिस्से से, तो वो माइन नहीं होगा। और आप अगर इस तरफ चलते जाओगे तो आगे चलने पे आपको अलग से जगह भी दिखेगी। थोड़ा सा और आगे चलना है, मेरी स्पीड बहुत कम है इसमें भी। ये देख सकते हो ये ट्री का कलर आपको हर बार अलग दिखेगा, क्योंकि ये जो इवेंट होते हैं उस हिसाब से होता है। जैसे कि ये हमारे जो मंथ्स के टाइम पे जो चलता रहता है, समर विंटर वगैरह, उसके हिसाब से होता है। अगर आप इस तरफ से चलना है, इधर आओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, मिलेगी फेरी क्वीन। जैसे आप देख सकते हो मेरे पास अभी मैंने टोटल 11 फेरी सोल कलेक्ट करी है और मैंने एक बार रिडीम कर लिया है। ये देख सकते हैं मेरे को 1 डिफेंस 1 स्ट्रेंथ और 5 की हेल्थ फेरिस 5 फेरिस 4 फेरी सोल की मदद से मिल गई है। और अगर आप इधर की तरफ आओगे तो आप एक ख़ास चीज़ देख सकते हो, जो कि शायद आपको किसी कोई दिखाए या ना दिखाए, मैं तो दिखाई देता हूँ। ये देख सकते हैं ये है हमारा एंड पोर्टल एरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कमिंग सून लिख के आ रहा है, क्योंकि अभी कई सारी चीज़ें आई नहीं हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को एक और फेरी सोल मिल गई है। यहाँ इसमें आपको फेरी सोल ऐसे दिखेगी, आपको बस इस पर क्लिक करना है और ये कलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे शायद एक ही फेरी सोल थी, अगर मेरे को एक और मिल जाती तो ज़्यादा मज़ा आ जाता। आपको यहाँ का एरिया हमेशा अलग अलग ही दिखेगा। देख सकते हो यहाँ पे आपको फार्म एरिया दिखेगा। ये हम थोड़ा सा शॉर्टकट मार लिया तो उसे डेथ भी मिल गई। आप देख सकते हो सर्वर में थोड़ा सा लैग है, इस वजह से मैं यहाँ पे बार बार यहीं पे स्पॉन हो रहा हूँ। मैं साइड में जा रहा हूँ फिर भी हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा हिट बार और मैना का बार नहीं आ रहा है, जब तक वो नहीं आ रहा है तब तक आप नहीं देख सकते। जैसे देखो ये आ गया, अब मैं आराम से हिल सकता हूँ। यहाँ पे चंक लोडर अभी भी फिक्स नहीं हुआ है, पर पहले से बढ़िया हो गया है। अगर आप इसे खेलते हैं सर्वर को तो आपको नेट इशू थोड़ा सा मिलेगा। ये देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत नेट इशू मेरे को देखने को मिल रहा है। यहाँ
यहाँ पे हम थोड़े से एप्पल सेल कर देते हैं। और उसी ओ क्लॉक भी मिनट ओ क्लॉक का है ये रहे 61 ओ क्लॉक आप देख सकते हो। मेरे को ऐसे इतने से मिले हैं, मेरे को यहाँ पे अभी भी एन्चांटिंग करने वाला नहीं मिला है। डिस्कॉर्ड और टिकटॉक क्योंकि ये नया सर्वर है इसलिए आपको यहाँ पे अभी एंडर चेसेस योर ग्रेडर स्टोर योर आइटम यू कैन क्रीज योर स्टोरेज फ्रॉम द कम्युनिटी सेंटर चेस्ट फ्रॉम एनीवेयर इन द रैंक फ्रॉम स्टोर। आपको यहाँ पे सब जितने ज़्यादा फीचर चाहिए उसके लिए आपको रैंक चाहिएगी। मैं आप देख सकते हो मैं बिना रैंक के हूँ इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। आपको दिखाता हूँ जैसे फास्ट ट्रैवल पे है अभी स्पाइडर डैन और ब्लेजिंग फॉरेस्ट और एंड आया नहीं है पर आप देख सकते हो डीप कैबिन में जाने का यू मस्ट बी वीआईपी टू टेलीपोर्ट। अगर आप कुछ कुछ जगहों पे वीआईपी की ज़रूरत पड़ेगी टेलीपोर्ट होने के लिए। मैं यार कब तक ऐसे ही इसको एन्चांट करने के बाद में भी इसका डैमेज कुछ ज़्यादा नहीं रहता है 88 पे पहुंच जाता है अगर आपको एपिक मिल गया तो। इसमें और भी रहते हैं फास्ट क्लेवर और स्पाइसी क्लेवर उनका डैमेज बहुत कम रहता है लेकिन ज़ॉम्बी पिकेक्स पे आपको एन्चांटमेंट नहीं मिलेगी पर इसकी खासियत यह है कि आपको हेस्ट देती है हेस्ट टू देती है 5 सेकंड के लिए। ये मेरा थोड़ा सा रिफोर्ज करा हुआ वो है और ये नॉन एन्चांटेड जंगल एक्स एपिक लेवल इसका डैमेज आप देख सकते हो लिखा हुआ है 40 प्लस और 30 प्लस एपिक स्ट्रेंथ और क्रिटिकल डैमेज 15% मतलब चांस हो जाते हैं ये 40 का विद इन अगर आप इससे मल्टीपल एनिमी भी शूट कर मार सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ फास्ट ट्रेवल केविन गोलम डैन थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता है मेरे को बस ये यहाँ पे खड़ा हुआ ये मारने दे जितनी देर में चंक लोड हो रहे हैं। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ मरूँ नहीं पर यहाँ पे मर आप जल्दी जाते हो। हाँ लोड हो चुका है अब आप देख सकते हो यहाँ पे दो हैं मैं एक को मार रहा हूँ लेकिन दोनों को डैमेज पड़ रहा है। इसका यही खासियत है